हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड लेक्चर अर्बन्स एनवायरनमेंट के ऊपर। इसके पहले मैंने इस इकोनॉमिक पॉलिसीज के पहले तक मैंने समझा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किए थे हमने पुराने पहले वीडियो में। अपन मॉनेटरी पॉलिसी पर आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज एंड इंटरवेंशंस दैट aim at smooth supply of credit to the business and a boost to trade and industry. ठीक है, ये तो पढ़ के अपने समझ में आ जा रहा है। Foreign investment policy. This policy aims at regulating the inflow of foreign investment in various sectors for speeding up industrial development and take advantage of the modern technology. इसको अपन समझते हैं थोड़ा कि foreign investment जो है, मतलब जो foreign investors हैं, बेसिकली बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने वहाँ से उनकी कंट्री से वो अपने अपनी कंट्री पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहती हैं। डिफरेंट कंट्रीज होते हैं जिस वजह से वो इन्वेस्ट करती हैं। अगर उन्हें प्रॉफिट दिखाई देता है तो वो इन्वेस्ट करती हैं। तो इस चीज़ को स्पीड अप करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, वो कहलाती है फॉरन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अगला है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, इसको हम शॉर्ट मैगजीन पॉलिसी भी कहते हैं। इट एम्स एट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। थ्रू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अनाउंसेस वेरियस ड्यूटीज लिवाइज, द फोकस नाउअडेज लाइज ऑन रिमूविंग बैरियर्स एंड कंट्रोल एंड लोअरिंग द कस्टम ड्यूटीज। तो इस सब में पॉइंट के समझ में आ जा रहा है आसानी से कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो गैप है, इसको मतलब कि ब्रिज अप करने के लिए, इसको गैप को मतलब कि खत्म करने के लिए इस एग्जिम पॉलिसी को बेसिकली बनाया गया है। क्योंकि हम कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है उसमें बैलेंस बने रहना चाहिए, ये पॉलिसी उसके लिए बनाई गई है। तो जो भी ड्यूटीज लगती हैं अपने को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने में, कस्टम ड्यूटीज हो गई या फिर अलग अलग तरह की लिवाइज हो गई, वो ड्यूटीज जो टैक्सेशन में पढ़ेंगे अपन आगे, तो उस वो ड्यूटीज जो है उस इस पॉलिसी के थ्रू अपन डिफाइन करके जाती है गवर्नमेंट से। अगला है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अपन इसके पहले वाले वीडियो में जो था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में समझा था, जिसका लास्ट टॉपिक था इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। और अगला टॉपिक है अपना इसी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है वो अपन समझेंगे इसमें। पहला है सोशल एनवायरनमेंट। The social environment of business includes social factors like customs, traditions, values, beliefs, poverty, literacy, life expectancy rate, etc. The social structure and the values that society cherishes have a considerable influence on the functioning of business firm. तो ये तो अपने को बढ़कर सामने आ रहा है कि अपने social factors जो हैं, customs, traditions, values, beliefs, poverty, literacy, ये सारी जो चीजें हैं social environment के अंदर, पहली चीज मतलब इंक्लूडेड है सारे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ न्यू क्लोथ्स, स्वीट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अपने फेस्टिवल जो है अपने सोशल फैक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। क्योंकि सोसाइटी में फेस्टिवल मन रहा है तो इस समय बिजनेस की कौन सी चीजें बढ़ जाती है, न्यू क्लोथ, स्वीट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजें अपने बिजनेस की बढ़ जाती है। तो ये सब सोशल फैक्टर के अंदर आ गया। ड्यू टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ द कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ड्यू टू चेंज इन फैमिली कंपोजिशन मोर न्यूक्लियर फैमिलीज विद सिंगल चाइल्ड कॉन्सेप्ट्स हैव कम अप। दिस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसहोल्ड गुड्स। इट मे बी नोटेड दैट कंजम्पशन पैटर्न, द ड्रेसिंग एंड द लिविंग स्टाइल्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर्स मे वेरी सिग्निफिकेंटली। ये इजी है, पढ़ के साथ ही अपने को आ जा रहा है, तो नेक्स्ट स्किप करता हूँ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस कम्युनिटी एंड द यूनियनिज्म। मतलब जैसे मैंने पहले बताया था अभी पहले वाले वीडियो में कि पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस कम्युनिटी एंड द यूनियनिज्म, इसके मतलब गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है बेसिकली वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। All these aspects have a bearing on the strategies adopted by the business firm. मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगी उसके हिसाब से बिजनेस को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी
कि कैसे अगर टैक्स कुछ लगा रही है गवर्नमेंट तो कुछ कैसे प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाए कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस कॉस्ट जो है वो कम हो, कि टैक्स लगने के बाद भी उसका प्राइस बहुत हाई ना हो जाए कि कस्टमर उसको खरीदे ना, तो इस चीज के इफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट एनवायरमेंट। द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस बिजनेस and related activities to a great extent. It sends a signal of strength, confidence to various interest groups and investors. Further, ideology of the political party also influences the business organization and its operations. जैसे अपनी present political party है, जो अपनी government है, वो क्या चाहती है कि business बढ़े, businessmen के favor में ये policies बना रही है। अगर आप videos देखें business government policies के बारे में, जो कि हमारे ministers मतलब लाते रहते हैं नई पॉलिसीज कि बिजनेस बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो आपको समझ आ जाएगा कि बिजनेस को काफी फेवर इन लोग कर रहे हैं कि बिजनेसमैन को अच्छा एनवायरनमेंट अपनी कंट्री में मिले। यू मे बी अवेयर दैट कोको कोला कोल्ड ड्रिंक वाइडली यूज्ड इवन नाउ हैड टू वाइंड अप ऑपरेशंस इन इंडिया इन लेट 70s। मतलब पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से ये जो कोको कोला कोल्ड ड्रिंक थी, इसको अपना जो बिजनेस था वो खत्म करने की नौबत उसको आ गई थी 70s के टाइम पे। तो ये एक इफेक्ट है, ये एग्जांपल उन्होंने दिया। अगेन द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज आल्सो इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। मोस्ट ऑफ द लेबर यूनियंस इन इंडिया आर एफिलिएटेड टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, लेबर डिस्प्यूट्स एटसेट्रा आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस। हाउएवर विद द कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट, ट्रेड यूनियंस आर नाउ शोइंग ग्रेट मैच्योरिटी and started contributing positively to the success of the business organization and its operations through workers' participation and management. मतलब trade union activities के बारे में आपने सुना होगा कि कोई कभी जो laborers होते हैं, workers होते हैं, उनका एक union automatically बन जाता है। मतलब जैसे union का जो features होते हैं, union का जो काम होता है कि जो workers को exploitation से बचाने के लिए उन लोग काम करते हैं, कि जैसे factory के जो owners हैं वो कुछ हार्श पॉलिसीज ना बना दें, है ना, लेबर्स के लिए, जो वर्कर्स हैं उनके लिए। अगर वो कुछ हार्श पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीजें अगर वो करते हैं, कुछ सैलरी अगर कम कर देते हैं या फिर सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं, कभी जो भी डिस्प्यूट होता है वर्कर्स से रिलेटेड कि इनको लगता है कि अनफेयर काम हो रहा है, वर्कर्स का इंटरेस्ट इससे हर्ट हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं। तो ट्रेड यूनियंस बेसिकली सब मतलब सारे के सारे यूनिटी होती है ट्रेड यूनियंस में, तब जाकर इन लोग इकट्ठे मिलकर ये सारी चीजें करते हैं, जैसे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड लेबर डिस्प्यूट्स। इस सब इसके बारे में आपने कॉमर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट पर जाते हैं, लीगल एनवायरमेंट। दिस रिफर्स टू द सेट ऑफ लॉज regulations which influence the business organization and their operations. Every business organization has to obey and work within the framework of the law. The important legislations that concern the business enterprises include Companies Act 1956, ये बहुत important है, इससे related question आ सकता है। Foreign Exchange Management Act, इसको अपन शॉर्ट में फेमा भी कहते हैं, 1999, ये year आप याद कर लें तो ये अच्छा है बहुत। Factories Act 1948, Industrial Disputes Act 1972, Payment of Gratuity Act 1972, Industries Development and Regulation Act, IDRA, ये काफी important है। Prevention of Food Adulteration Act, Essential Commodities Act 2002, The Standards of Weights and Measures Act 1956, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969, ये MRTP Act इसको शॉर्ट में कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ लेंगे। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये काफी इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। वो है और नेक्स्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अदर लीगल एनवायरमेंट, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल डिसीजंस। The provisions of the articles of the Indian Constitution, particularly directive principles, rights and duties of citizens, legislative powers of the central and state government also influence the operation of business enterprise. Judicial decisions, judiciary has to ensure that the legislature and government function in the interest of public and act within the boundaries of the Constitution. The various judgments given by the court in different matters relating to trade and industry also influence the business activities. मतलब कि Constitution के जो भी प्रोविजंस हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं,
ये सब बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लॉ के बाहर जाकर कोई बिजनेस अपना सेटअप नहीं कर सकता है ना, उसको लॉ फॉलो ही करना पड़ेगा। जुडिशियल डिसीजंस, कई बार ऐसे डिसीजंस आते हैं जिससे कई बिजनेस बंद होने की नौबत आ जाती है, जिससे लिकर के ऊपर डिसीजन आता है, कभी कभी गवर्नमेंट कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि पूरी तरह बैन कर देते हैं, तो इससे तो उनका बिजनेस खत्म हो गया। तो ऐसा ही एग्जाम्पल हमने दिया है कि जुडिशियल डिसीजन जैसे ये हो गया, ये भी बिजनेस को, बिजनेस को अफेक्ट करता है, ये भी अपना लीगल एनवायरमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इंक्लूड द मेथड्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। द वेरिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट द डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए एंड मेनी अदर कंट्रीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर डिजाइंड फॉर 110 वोल्ट्स, बट व्हेन दीज आर मेड फॉर इंडिया दे हैव टू बी 220 वोल्ट्स। तो उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि वहां की जो एनवायरमेंट है, वहां पर जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है दे आर डिजाइन फॉर 110 वोल्ट्स, मगर यही सेम चीज अगर इंडिया के लिए बनाते हैं हम लोग तो उन्हें 220 वोल्ट्स के लिए बनाया जाता है। तो ये अपने यहाँ के टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट डिफरेंट है, उनके यहाँ के टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर है। इन द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एज द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज वेरी फास्ट, हेंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट अ बिजनेस हैज टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट मे बी नोटेड दैट साइंटिफिक रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर रेगुलर एक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ द बिग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन नाउ इट इज। इन फैक्ट नो फर्म कैन अफोर्ड टू परसिस्ट विद द आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। मतलब कि अगर अपन को किसी बिजनेस फर्म को सर्वाइव करना है अपने कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिशन सर्वाइव करना है, तो उसे टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि कल तक अपन देखें कि बहुत टाइम पहले टाइपराइटर्स का यूज हुआ करता था, मतलब ऑफिस में या कंपनीज में, जब कंप्यूटर्स ज्यादा मतलब नए आए हुए थे, उस टाइम लोग टाइपराइटर का यूज किया करते थे, उसके थ्रू उन लोग जैसा मतलब राइटिंग करते थे, अपना डेटा स्टोर किया जाता था जैसे भी मैनुअल फाइल वाले फॉर्म में। मगर जैसे ही कंप्यूटर आया, हर किसी को चेंज अपना करना पड़ा, हर किसी को कंप्यूटर्स लाने ही पड़े, वरना उनका बिजनेस बहुत हाईली इफेक्ट हो जाता था। तो ये सारे चेंजेस अपने पिछले 10-20 साल में हुए हैं, तो एक एग्जांपल मैंने दिया। नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। दिस रिफर्स टू द साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ऑल दीज फैक्टर्स हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो सिंपल है, पढ़कर समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंट्री वेयर पॉपुलेशन रेट इज हाई एंड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, देन देयर इज मोर डिमांड फॉर बेबी प्रोडक्ट्स। सिमिलरली द डिमांड फॉर द people of cities and towns are different than people of rural areas. The higher the population indicates the easy availability of labor. These encourage the business enterprises to use labor intensive techniques of production. तो मतलब इसने basically बताना की कोशिश किया है कि जो demographic characteristics है, मतलब कि अपनी population का size है, population density है, जो मतलब कहाँ कहाँ कितनी कितनी population concentrated है, इसका business में कैसे effect होता है। जैसे उन्होंने example दिया कि अगर population ज्यादा है, जहां पर ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां पर बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बिकेंगे, है ना। और जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर लेबर भी है वो जो आसानी से मिल जाएगा। मतलब अगर कोई फैक्ट्री अगर इस्टेब्लिश करना चाहता है बड़ी सी, और उसको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उसको लेबर मिले, तो उसे एक ऐसी जगह पर करना पड़ेगा जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हो, जहां पर लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हो, है ना। उन लोग लेबर एज अ लेबर दे विल वर्क इन द फैक्ट्री। Rural availability of skilled labor in certain areas motivates the firm to set up their units in such area. For example, the business units from America, Canada, Australia, Germany, UK are coming to India due to easy availability of skilled manpower. ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मैं कह रहा था कि जहाँ पर हमारे यहाँ population ज्यादा है, तो ये हमारे पास plus point है कि जो बड़ी बड़ी companies हैं वो कहाँ से अमेरिका, कनाडा, बाहर से आकर यहाँ पर सेटअप कर रही है अपने क्या कहते हैं यूनिट्स, जिससे कि अपने यहाँ जो स्किल्ड मैन पावर है वो यूज हो सके। और ये बेसिकली देखा जाए तो वहां के मुकाबले, इन फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले, अपने यहाँ जो लेबर है वो काफी सस्ता इनको पड़ता है, इसलिए इन लोग यहाँ पर आकर अपने यूनिट सेटअप करते हैं। बट अ फर्म दैट कीप्स अ वॉच ऑन द चेंजेस ऑन द डेमोग्राफिक फ्रंट एंड रीड्स देम एक्यूरेटली विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज नॉकिंग एट इट्स डोर स्टेप। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल एनवायरमेंट। The natural environment includes geographical and ecological factors that influence the business operations. These factors include the availability of natural resources, weather and climatic conditions, location aspect, topographical factors, etc.
बिजनेस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल नेचर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया था कि ज्योग्राफिकल इकोलॉजिकल